आप लोगों को बता दूं ये इवेंट बहुत जल्द हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है। यहाँ पर गाइस हम लोग गोल्ड से स्पिन करके बहुत सारे आइटम को ले सकते हैं। भाई लिटरली यार एकदम सपनों की तरह ये इवेंट, एंड मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी ये इवेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा और आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि ये इवेंट हमारे गेम के अंदर कब आएगा और इस इवेंट के अंदर से हम लोग गोल्ड से स्पिन करके कौन से आइटम को ले पाएंगे। तो देखो यार आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग आज के वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। आज के वीडियो में आप लोगों को इस इवेंट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा ये इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कब आएगा और हम लोग इस इवेंट के अंदर से कौन से आइटम को ले पाएंगे। फिर गाइस इतना ही नहीं, आज की वीडियो में हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में बताऊंगा और गाइस हमारे OB38 अपडेट के पैच नोट्स भी निकल के आ चुके हैं, आज मैं आप लोगों को उनका भी डिटेल देने वाला हूं। फिर गाइस इतना ही नहीं, आज की वीडियो में कुछ और भी ऐसे ही छोटे बड़े अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। सच में यार एक तरीके से देखा जाए तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए गाइस आज की वीडियो को आप सभी लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो गाइस फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले एक टुनाइट अपडेट के बारे में। तो देखो यार मैं आप लोगों को बता दूं, आज रात 12 बजे के बाद हम लोगों को हमारे गेम के अंदर कोई नया वेब इवेंट तो नहीं बट एक टॉप अप इवेंट देखने को मिलने वाला है। मुझे पता है गाइस अभी आप लोग जानना चाहते होंगे कि हमारे गेम के अंदर आज रात 12 बजे के बाद कौन सा टॉप इवेंट आएगा। तो गाइस आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, जो टॉप अप इवेंट आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो मैं आप लोगों को बता दूं यही टॉप अप इवेंट हमारे गेम के अंदर आज रात 12 बजे के बाद आने वाला है। यहाँ पर गाइस हम लोगों को 100 डायमंड के टॉप में एक एंजेलिक वाला स्कार्फ मिल रहा है, साथ ही साथ गाइस यहाँ पर 300 डायमंड के टॉप में एक एंजेलिक वाला जैकेट भी अवेलेबल है जो कि ब्लैक एंड रेड कलर का है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं टॉप अप इवेंट में तो यही दोनों आइटम आएंगे बट इनके प्राइस में चेंजेस हो सकते हैं एंड हो सकता है कि इसमें हम लोगों को एक और आइटम देखने को मिले और 3 आइटम टॉप इवेंट में आए। बाकी गाइस जो भी होगा मैंने तो आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले टॉप इवेंट का रिव्यू करवा दिया है एंड 99% चांसेस है कि हमारे गेम के अंदर यही टॉप इवेंट आएगा। बाकी गाइस फिलहाल अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सच में यार और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं आज की वीडियो में जो कि मुझे कवर करने हैं, तो मैं आज की वीडियो में तो जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले OB38 अपडेट के पैच नोट्स दिखा देता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पैच नोट होता क्या है। तो गाइस पैच नोट एक तरीके से हाईलाइट होते हैं उन चेंजेस के, उन नए आइटम्स के जो कि हमारे गेम के अंदर OB38 अपडेट के बाद या फिर किसी भी ओबी अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर ऐड होंगे। तो गाइस सबसे पहले आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये हमारा पहला पैच नोट है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है न्यू कैरेक्टर शांतिनो। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं इस कैरेक्टर का नाम है शांतिनो एंड अगर हम लोग इसकी स्किल की बात करें तो इसकी स्किल का नाम है सेफ स्प्लिटर। भाई सच में यार इसकी स्किल काफी अमेजिंग है क्योंकि गाइस हम लोग इसकी स्किल को यूज करके टेलीपोर्ट कर सकते हैं। भाई क्या ही जो तगड़ा कैरेक्टर है यार, पहले हमारे गेम के अंदर हैकर टेलीपोर्ट करते थे, अब हम लोग इस कैरेक्टर की स्किल को यूज करके सच में टेलीपोर्ट कर पाएंगे। चलो गाइस मैं आप लोगों को इसकी स्किल का रिव्यू करवा देता हूं। तो गाइस आप लोग स्क्रीन में देखो जो क्लिप है ये एडवांस सर्वर की है और गाइस जैसे मैंने यहाँ पर इसकी स्किल को यूज करा आप लोग देखो यहाँ पर से एक सफेद कलर का डमी निकला जो कि सीधे सीधे आगे की तरफ जाता रहा एंड जब मैं वापस से इसकी एक्टिव स्किल में क्लिक किया तो मैं वहीं पर टेलीपोर्ट हो गया। क्या ही जो भयानक कैरेक्टर है और क्या ही जो इसकी भयानक स्किल है, होप करता हूं गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी गाइस आप लोग अभी हमारा दूसरा पैच नोट देखो, तो गाइस जो हमारा दूसरा पैच नोट है वो हमारे नए पेट के रिलेटेड है जिसका नाम है कैक्टस और ये दिखने में भी कैक्टस की तरह लगता है। और गाइस अगर हम लोग इसकी एक्टिव स्किल की बात करें तो गाइस देखो जैसे ही आप लोगों का कैरेक्टर बस सीधा खड़ा होगा तो ये आप लोगों को कुछ ईपी देगा। जी हाँ गाइस जब आप लोग दौड़ रहोगे कूद रहोगे तब आप लोगों को कुछ भी ईपी नहीं मिलेगा बट जैसे आप लोग एक जगह पे खड़े हो जाओगे तो ये खुद ब खुद आप लोगों को ईपी देने लग जाएगा। ठीक ठाक ही पैटर्न, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा है क्योंकि गाइस गेम में होता ही है कि हम लोगों को एक मशरूम मिल जाता है या फिर इनहेलर मिल जाता है तो वहाँ पे हमारी ईपी की सारी नीड खत्म हो जाती है। तो गाइस शायद यार मैं तो इस नए पैट को यूज करूंगा। बाकी गाइस आप लोगों को इस पैट की स्किल कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन गाइस अभी आप लोग हमारा थर्ड पैच नोट देखो, ये गाइस हमारे सीएस मोड से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को बता दूं सीएस मोड के अंदर आप लोगों को आने वाले अपडेट के बाद एक अलग सी सेफ जोन देखने को मिलेगी जो कि गाइस रैंडमली कहीं पर भी आ जाएगी एंड यार इस सेफ जोन के अंदर ना तो आप लोग किसी बंदे को फायर कर पाओगे और ना ही कोई बंदा आप लोगों को फायर कर पाएगा, मतलब फायर तो करेगा बट डैमेज ही नहीं आएगा। भाई क्या ही जो तगड़ी सेफ जोन है यार। फिर गाइस इसी के साथ साथ हम लोगों को हमारे ओबी अपडेट के बाद दो कैरेक्टर में भी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं जिसमें पहला कैरेक्टर है स्काइलर और दूसरा कैरेक्टर है केंटा। अभी मैं आप लोगों को चेंजेस बताऊंगा जो कि इनकी स्किल में हुए हैं बट इससे पहले गाइस आप लोग नीचे वाला भी देख लो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है स्किल स्लॉट अनलॉक, यानी कि गाइस जैसे आप लोग कोई भी नया कैरेक्टर खरीदोगे तो आप लोगों को अपने गोल्ड से उसके स्लॉट नहीं खरीदने पड़ेंगे, उसके स्लॉट आप लोगों को पहले से ही अनलॉक मिलेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं स्लॉट का मतलब है जहाँ पर हम लोग किसी कैरेक्टर में दूसरे कैरेक्टर की पैसिव स्किल रख सकते हैं। बाकी गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देखो, मैं आप लोगों को स्काइलर कैरेक्टर की एक्टिव स्किल समझा देता हूँ जो कि हम लोगों को ओबी अपडेट के बाद देखने को मिलेगी। तो गाइस देखो जैसे आप लोग ओबी अपडेट के बाद किसी भी ग्लू वॉल पे स्काइलर कैरेक्टर यूज करोगे तो गाइस वो ग्लू वॉल तो फूटेगी, साथ ही साथ गाइस उसके अगल बगल में एक जोन बन जाएगा एंड उस जोन के अंदर जितनी भी सारी ग्लू वॉल होंगी धीरे धीरे करके उन ग्लू वॉल में भी डैमेज आएगा और वो ग्लू वॉल भी रिमूव हो जाएंगी। पर गाइस मैं आप लोगों को बता दूं वो जोन एक लिमिटेड टाइम के लिए बनेगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि गाइस जो हमारे गेम के अंदर एक ग्रेनेड अवेलेबल है जिससे कि गाइस ग्लू वॉल ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है, तो उसी तरीके का कुछ एक जोन बनेगा स्काइलर कैरेक्टर को यूज करने के बाद। होप करता हूं गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी गाइस मैं आप लोगों को बता दूं एडवांस सर्वर के अंदर स्काइलर कैरेक्टर अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से गाइस मैं इसका कोई रिव्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं एंड यही कारण है कि मुझे आप लोगों को ये पोस्टर दिखा के समझाना पड़ा कि इसकी कैसे स्किल यूज होगी। बाकी गाइस अभी हम लोग बात करते हैं केंटा कैरेक्टर की स्किल के बारे में। तो गाइस
गाइजर देखो OB38 अपडेट के बाद जैसे आप लोग कैंटा करेक्टर को यूज करोगे तो आप लोगों के सामने एक 5 मीटर का शील्ड बन जाएगा जो कि गाइजर 70% तक का वेपन डैमेज को रिड्यूस कर देगा। यानी कि गाइजर जैसे आप लोग कैंटा करेक्टर की स्किल यूज करोगे और आप लोगों को कोई फायर करेगा तो उसका सिर्फ 30% ही डैमेज आप लोगों को आएगा। बट गाइजर जब आप लोग एनिमी पे फायर करोगे तो उस टाइम पे अगर आप लोगों को एनिमी डैमेज करेगा तो आप लोगों को 70% का डैमेज आएगा, उस टाइम पे बस 30% ही डैमेज रिड्यूस होगा। एक तरीके से देखा जाए तो गाइजर ठीक ठाक ही इसका स्किल चेंज हो रहा है। मुझे तो गाइजर फिर भी पसंद आया, बाकी आप लोगों को इसका स्किल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल गाइजर अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइजर मैं आप लोगों को बता दूं हमारे BR गेम के अंदर हम लोगों को एक नया लूट एरिया देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा आर्सेनल। मुझे पता है गाइस आप लोग इसके बारे में कुछ भी अच्छे समझ नहीं पा रहे होंगे, तो चलो गाइजर मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दिखा के समझा देता हूं कि हम किस चीज की बात कर रहा हूं। तो गाइस आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो एक कमाल का रूम टाइप का है इसके अंदर काफी सारी लूट भरी हुई है और गाइजर इसी का नाम है आर्सेनल। वैसे गाइजर जब मैं एडवांस सर्वर खेल रहा था तो इसका नाम ट्रेजर रूम दिखा रहा था, बट जो अभी अपडेट के पैच नोट्स मिले उसके अंदर इसका नाम आर्सेनल है। ओवरऑल गाइजर मैं आप लोगों को बता दूं हम लोगों को इसको अनलॉक करने के लिए एक की जरूरत पड़ेगी जो हम लोगों को वेंडिंग मशीन के अंदर 800 टोकन से मिलेगी, एंड जैसे हमारे पास की आ जाएगी तो हम लोग इसको अनलॉक करके इसके अंदर लूट कर पाएंगे। फिर गाइजर इतना ही, अभी आप लोग नीचे की तरफ ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग सोलो गेम के अंदर भी ऑटो रिवाइव होने वाले हैं। मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ तो अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी गाइजर अगर आप लोगों को ऑटो रिवाइव के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका वापस से रिव्यू कवर कर दूंगा। बाकी गाइजर अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले न्यू ईयर विश इवेंट के बारे में। भाई इतना कमाल का इवेंट है कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पर गाइस एक से एक ओपी से आइटम है और ये सब हम लोगों को मिलने वाले हैं बस गोल्ड टोकन से स्पिन करने पर। बाकी गाइजर मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी के टाइम पे ये इवेंट हमारे फ्री फायर के कुछ 4 से 5 सर्वर पर आ रखा है, एंड यार सेम इवेंट की पीएनजी हमारे गेम की फाइल के अंदर भी मुझे मिली है। इसी वजह से गाइजर चांसेस है कि हम लोगों को ये इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर भी देखने को मिले। बाकी गाइस मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं एक और रीजन है कि जिस वजह से मुझे लगता है ये इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आ सकता है, वो रीजन ये है कि गाइजर अभी के टाइम पे हमारे फ्री फायर के अप्रोक्सीमेटली सारे ही सर्वर पर ऐसे इवेंट आ रहे हैं जहां पर हम लोग गोल्ड से स्पिन करके काफी सारे आइटम को ले पाएंगे। अब वो बात अलग है कि हर सर्वर में इवेंट अलग अलग आ रहे हैं, जैसे कि गाइजर कहीं पर गोल्ड रॉ इवेंट आ रहा है, कहीं पर कोई दूसरा इवेंट आ रहा है, बट इवेंट ऐसे ही है जहां पर हम लोग गोल्ड से स्पिन कर सकते हैं। बाकी गाइजर मुझे कल ये वाला इवेंट भी मिला इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया, होप करता हूं गाइस आप लोगों को ये इवेंट पसंद आया होगा। एंड फिलहाल गाइजर अगर मैं आप लोगों को कोई अप्रोक्सीमेट डेट बताऊं कि हम लोगों को ये इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कब तक देखने को मिल सकता है तो गाइजर चांसेस है कि नेक्स्ट मंथ फरवरी के स्टार्टिंग में हम लोगों को ये न्यू ईयर विश इवेंट जहां पर हम लोग गोल्ड से स्पिन करके इतने सारे आइटम को ले सकते हैं देखने को मिले। बाकी अब फरवरी में कौन सी डेट को मिलेगा इसके बारे में कोई भी कंफर्म न्यूज निकल के नहीं आ रही है। बाकी गाइजर आप लोग चिंता मत करो, आने वाले टाइम पर मुझे इस इवेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के सब कुछ बता दूंगा। बाकी गाइजर क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसीलिए गाइजर हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई।